Hello friends, wish you a very very good morning. This is me, Ashi Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is, 19th of August 2020, and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so the first thing is quotation, the boosting line that will make you boost up, and these lines are like, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. If your actions, अगर आपके words, आपके action, आप जो कर रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं, वो चीज़ें दूसरों को inspire कर रही हैं कि वो भी कुछ करे, वो भी कुछ बोले, वो भी कुछ और ज़्यादा करे, है ना? तो इस condition में ये मान के चलिए कि आप एक leader हैं. यदि आपकी बातें किसी को इंस्पायर करती है और ज़्यादा करने के लिए, और ज़्यादा सीखने के लिए, और ज़्यादा बनने के लिए कुछ, तो उसका मतलब है कि आप एक लीडर हैं. ठीक है? सो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते रहिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे कि दूसरे इंस्पायर हो. आपको बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपकी बातों से, आपको देख कर सामने वाला बंदा इंस्पायर हो. ओके, द फर्स्ट न्यूज़ इज़ नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स, सेड सुप्रीम कोर्ट. जैसा कि काफ़ी टाइम से केस चल रहा है कि लोगों की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट चाहिए, उसके बारे में ऑल डिटेल्स चाहिए. पहले अपोज किया गया था कि इसे क्यों रेज किया गया है, क्यों बनाया गया है पीएम केयर्स फंड. अब ये अपोजिशन जो है झेलना पड़ रहा है पीएम केयर्स फंड को कि ऑडिट करवाई जाए. तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगाई गई थी, तभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पीएम केयर्स फंड को किसी भी नीड की ज़रूरत नहीं है. बेंच ने रिफ्यूज़ कर दिया है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है, एनडीआरएफ के अंदर जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो, इस चीज़ के लिए भी डिमांड की गई थी, तो वो भी बेंच ने रिफ्यूज़ कर दिया है और ये कहा है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को ये बात कही है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके लिए डोनर्स जो है उन्होंने अपने स्तर पे अपनी इच्छा अनुसार वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट किया है और बिल्कुल अलग से इसे चलाया गया है. तो इसी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी ऑडिट जो है वो नो ओकेजन बेसिस पे जाएगी. इट मीन्स इसकी ऑडिट नहीं होगी बिकॉज ये एक सेपरेट एंटिटी है जिसको रन अप किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे. द कोर्ट सेड दैट इट इज़ नॉट ओपन एंड ओपन फॉर द पीआईएल पिटीशन टू क्वेश्चन द विजडम दैट क्रिएटेड द फंड इन एन आर ऑफ नीड. उस समय ज़रूरत के मुताबिक जिस फंड को हमने स्टार्ट किया था, सरकार द्वारा किया गया था, वो एक विजडम की बात आ जाती है वहाँ पे कि इसके लिए पीआईएल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है और इवन इसे किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी है जो कि ज़रूरत के टाइम पे प्लान किया गया था और इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है और इसके अलावा जिन लोगों ने फंडिंग की है उन लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार वॉलेंटरली फंडिंग की है और उसके बेसिस पे स्टिमुलस पैकेजेस या अन्य कई तरह के खर्चे जो कि कोरोना वायरस से संबंधित थे उन्हें ओवरकम किया गया है. अब पॉइंट्स ऑफ व्यू, अ लुक एट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द टॉप कोर्ट. पीएम केयर फंड इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, फंड्स आर नॉट वॉलंटरली गिवन. ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ना कि वॉलंटरली दिया जाने वाला फंड है. एंड देर इज़ नो ओकेजन टू डायरेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ. पीएम केयर्स फंड के अमाउंट को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र किया जाए ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसा ओकेजन है. ओके, डोनर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड. जो ये फंड बना हुआ है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, तो डोनर्स जो हैं वो उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. किसी भी तरह के कैग ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. नो नीड फॉर द फ्रेश नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान टू कॉम्बैट कोविड-19. कोविड-19 कॉम्बैट को जो है उसके लिए प्लान करने के लिए कोई फ्रेश नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इस प्लान को जो है एनडीआरएफ को ट्रांसफ़र अमाउंट को नहीं करेंगे. ठीक है?
और मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है, न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं जैसा कि डिमांड किया गया। देखिए इस पूरे जो डिमांड थी ऑडिट की, उसके अंदर क्या क्या डिमांड किया गया, एक तो ऑडिट की जानी चाहिए है ना, उसके अलावा जो इसके अंदर पैसा है वो सारा NDRF में ट्रांसफ़र करूँ, इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के जो जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब NDRF में होना चाहिए। अदर देन दिस कैग ऑडिट होगी, उसके अलावा जो है एक नया प्लान फॉर्म किया जाए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान इस पर्टिकुलर फ्रेश लेवल पे किया जाए और PM केयर्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 12 फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स होल्ड गुड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम कह सकते हैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको ऑडिट करने की, क्योंकि ये ऑडिट का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक रिलीफ फंड है जो क्रिएट किया गया था एक डिज़ास्टर के टाइम पे। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट अमित शाह। अमित शाह वॉज COVID-19 पॉजिटिव एंड अंडर आइसोलेशन थे, वो अंडर जो है सर्वेलेंस थे, एंड मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है निगरानी में रखा गया था और आइसोलेट किया गया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है पोस्ट कोविड केयर के लिए, और उन्हें फैटिक और बॉडी एक की जो है काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, कंप्लेन हो रही थी, इसी के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है एम्स में। ओके, दिल्ली एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है। द मिनिस्टर इज़ करेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इज़ बीइंग एडमिटेड फॉर पोस्ट कोविड केयर। पोस्ट कोविड केयर के तहत उन्हें जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, एडमिट किया गया है, और वो सारी देखभाल उनकी की जा रही है जो करनी चाहिए एक पेशेंट की। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ कर्ब्स ऑन चाइना FDI हिट GM कार प्लांट सेल। मैं आपको बता दूँ कि GM कार की प्लांट सेल, बेसिकली GM कार जो है उसका और चाइना के इस GM कार कंपनी का महाराष्ट्र के साथ कोलैबोरेशन था, मतलब महाराष्ट्र के साथ मिल करके ये इस पर्टिकुलर यूनिट पर वर्क कर रहे थे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर रहे थे। तो ये जो कंटिन्यूस जो इश्यूज चल रहे हैं, टेंशन चल रही है LAC पर, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में, ये कहीं ना कहीं सरकार का जो एक डिसीजन था US चाइना का ऑटो प्लांट डील का महाराष्ट्र में, उसे इम्पैक्ट कर सकता है, उसे इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। द डील बाय US ओन्ड जनरल मोटर इंडिया, GMI जनरल मोटर इंडिया जो है US ओन्ड, उसके और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलगांव इंडस्ट्रियल एरिया पुणे के बीच में ये डील हुई थी, और चाइनीज़ कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स, तो इन तीन जो है कंट्रीज़ के बीच में जा कर के और ये डील हुई थी इस पर्टिकुलर प्लांट को इस्टेब्लिश करने की, वो भी महाराष्ट्र में, इंडिया में। तो पॉसिबली जो है, अगर ये जो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्यूट है LAC वाला, ये कहीं ना कहीं इस प्लांट का जो इशू सेल है, या ये जो कार प्लांट की जो पूरी यूनिट लगाने का प्लान किया गया था, उसको कहीं ना कहीं हिट करेगा, या उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ टसल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। द रैगिंग डिबेट दैट तमिलनाडुज रूलिंग AIADMK विटनेस लास्ट वीक ओवर इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ CM फॉर 2021 असेंबली इलेक्शन माइट हैव बीन प्रीमेच्योर, बट इट हाईलाइटेड द शार्प डिवाइड बिटवीन द कैंप्स ऑफ डेप्यूटी CM एंड CM। CM और डेप्यूटी CM के कैंप्स को अलग अलग देखा गया, काफ़ी इशूज देखे गए दोनों के बीच में, कॉम्प्लिकेशन देखे गए। नेक्स्ट जो है बात की जा रही है यहाँ CM को लेकर के इशू चल रहा है। फॉर नाउ द लीडर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू एड्रेस द इशू एंड आस्क्ड पार्टी फंक्शनरीज नॉट टू डिस्टर्ब, और सॉरी या
वेयर आई वॉज नॉट टू डिस्कस इन पब्लिक. पार्टी के जो मतलब अथॉरिटीज़ हैं, लीडर्स हैं, उनका ये कहना है अदर मेंबर्स से कि ये जो डिस्कशन है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, ये कहीं भी बाहर नहीं आना चाहिए. ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, इट शुड बी नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी मीडिया. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सीएम और जो डिप्टी सीएम है, इसके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं. जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा, राजस्थान की एक जो पॉलिटी है उसको आपने देखा होगा. राजस्थान में जो इश्यूज चल रहे थे इन सब चीज़ों को लेकर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है या ये जो सारी जो पॉलिसीज़ हैं अपने आप को जो है क्लेरिफाई करने की या अपने आप को पोस्ट गेन करने की, तो ये सारी पॉलिसीज जो है, ये सारी पॉलिटिक्स जो है, ये कहीं ना कहीं कंट्री की पॉलिटिक्स को, कंट्री की जो सिस्टम है कंट्री का, उसे काफ़ी इम्पैक्ट करती है. ठीक है, मिस्टर पलानी स्वामी एंड मिस्टर पनीर सेल्वम who was briefly CM 3 times in last 19 years gave the impression of having worked out a successful cohabitation arrangement. देखिए, जो इंसान पिछले 3 साल से, मतलब 3 terms जो है continuously, 3 terms जो है, उसको अगर उसके अंदर वो अगर टॉप कर रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूस इलेक्शन जीत रहा है, तो मतलब पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस भी है और कहीं ना कहीं उनके काम से सेटिस्फाइड भी है. तो उसी को लेकर के, लेकिन उनके और जो आम जन के बीच में जो, या उनके और डिप्टी सीएम के बीच के जो इश्यूज हैं, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखा गया. इंडिया, राजस्थान में भी सेम वही कंडीशन क्रिएट हुई थी. डिप्टी सीएम एंड सीएम, मतलब कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कॉम्प्लिकेशन थे. अशोक गहलोत जी जो पिछले कई टाइम से जो है पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, तो उनके और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था उसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को, मैक्सिमम पॉपुलेशन को सीएम के तौर पे वो काफ़ी पसंद है. लेकिन उसी बीच में इस पोस्ट के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो कॉम्प्लिकेशंस देखे गए थे, एग्जैक्टली वही कॉम्प्लिकेशंस जो है तमिलनाडु में भी देखे जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. क्या इनका आगे रहता है, किस तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट होते हैं 2021 के लिए, किस तरीके से वो कैंडिडेट्स अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ट्रबल्ड वाटर. EU और टर्की के बीच का इशू है. शुड नॉट लेट टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन लीड टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए, मेडिटेरियन एरिया है, मेडिटेरियन सी है, और इसका ये ईस्टर्न पोर्शन है. यहाँ टर्की है, यू कैन सी हेयर टर्की. ये यूरोप है और इसके बीच का ये मेडिटेरियन सी है. इसका ईस्टर्न पोर्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो इशू है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. जो वाटर एरिया है वो काफ़ी ट्रबल कर रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो सारी डिस्प्यूट्स यहाँ बताए गए हैं. The EU's plan to transport the gas to its mainland, which would help reduce its dependency on Russia, have raised the region's geopolitical profile. Turkey and Greece have overlapping maritime claims, but when EU members and its allies in West Asia and North Africa made plans to build a gas pipeline from the Mediterranean to Europe's mainland. यूरोप का मेनलैंड है ये, और यहाँ से जो है जर्मनी के लिए जो है एक पर्टिकुलर, और ये रशिया से जो रिलेशंस है उनको यहाँ शो किया गया है, और गैस पाइप के को इस्टेब्लिश करने की, इस सी के थ्रू इस्टेब्लिश करने की बात की गई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और टर्की का ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारे वाटर एरिया के अंदर. तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कुछ चल रहे हैं, ट्रबल्ड वाटर, इस तरह का साइप्रस और इटली, इन सारी चीज़ों के बारे, इन सारी जगहों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. ये साइप्रस, लेबनान देखिए आप, और ये टर्की है. इस तरीके से यहाँ पे जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये इटली है. तो यहाँ वाला जो वाटर एरिया है, इस वाटर एरिया को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ये सारी चीज़ें, किस तरीके से यूरोप और अदर कंट्रीज जैसे रशिया या जर्मनी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कैसे क्रिएट होंगे, या उनके बीच के रिलेशंस किस हद तक जाएंगे, या उनका ये जो डिसीजन है गैस पाइप्स जनरेट करने का या गैस पाइपलाइन की फिटिंग का,
मेडिटेरियन सी के थ्रू वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा उसी पर बेस्ड आर्टिकल है, आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या कहना चाह रही है और आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ एम्पावर्ड सर्कल्स इम्पेशेंस एंड इनजस्टिस। ये बताया गया है फ्लॉड लॉजिक ऑफ द रिएक्शंस ऑफ दोज हु मिसट्रस्ट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, किसी पर्टिकुलर पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उसका, उसको मिसट्रस्ट करना, उस पर बिलीव ना होना, और फिर उनके रिएक्शन जब वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी सॉल्यूशंस को। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी क्लेम किए जाते हैं, लोग काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हुए सुनाए मैंने लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट लाइक गोइंग थ्रू दी गवर्नमेंट एंड ऑल, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी इश्यूज़ मैंने सुने हैं इनके बारे में। तो ये लोगों के व्यूज़ होते हैं, लेकिन यही अगर ऐसा कोई फैसला जो कि कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है इन लोगों द्वारा। तो ये उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात की गई है कि जो लोग इम्पेशेंस होते हैं, सर्कल्स होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं एक जगह नहीं टिकते हैं ना, घूमते रहते हैं, एंड इनजस्टिस रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस को यहाँ बताया गया है कि जो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस या अदर इंस्टीट्यूशंस, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होता है, मतलब उनको उन पर बिलीव भी नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट देम, बट हेयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो है वो इंस्टीट्यूशन के फेवर में से सॉल्यूशन देगा, और जो भी सॉल्यूशन देता है इंस्टीट्यूशन उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, कॉम्प्लिसिटी को दर्शाया गया है क्या, इसके ग्राउंड्स क्या है, किस ग्राउंड्स पे ये बात कही जा रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमसे डिस्कस की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ टाइम ऑफ इंडिया एंड नेपाल टू मेकअप। ये जो वक्त है ये इंडिया और नेपाल के बीच में मेकअप का वक्त है, वापस से रिलेशन को ठीक से करने की ज़रूरत है, ड्रामेटिकली डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को मेंटेन करने, क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रिलेशन ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है, चाहे ट्रेड रिलेशन ले लीजिए, नेबर रिलेशन ले लीजिए, कोई भी तरह के रिलेशन जो हैं वो उसके ऊपर या उनको हम कह सकते हैं उस पर जो है नेपाल और इंडिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि अब इस समय में हम लोग क्या करें, नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप को वापस से मेकअप करने की कोशिश की जाए, ठीक है, इसको रिकैप्चर किया जाना चाहिए, उसके लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास कर किए जाने चाहिए। एंड वी नो वेरी वेल दैट आने वाले टाइम में वी नीड नेपाल एंड नेपाल नीड अस, सो फॉर दिस वी हैव टू गो अहेड एंड आगे बढ़ते हुए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने, अगेन एक सिंगल टेबल पे ला के रिलेशनशिप को रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, और अगर मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही किसी आर्टिकल को डिस्कस किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करना है। आप मुझे टर्की और EU से रिलेटेड जो रिलेशंस हैं इनके बारे में बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं मेडिटेरियन सी में उसके बारे में आप मुझे डिटेल में एनालिसिस करके और बताएंगे कि क्या मुद्दा है, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।